Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, अब ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है? वाटर, ऑर्गेनिक्स, मिनरल्स, बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। हम उसमें से पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। वाटर और प्लांट का रिलेशन कैसा है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी होती है। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स। क्यों? बिकॉज ये उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कौन करके रखता है? वाटर डिसॉल्व करके रखता है। जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्या है? नथिंग बट अ वाटर। वाटर है प्रोटोप्लाज्म सेल का, विच क्या होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन में कितना पानी होता है? अराउंड 92%। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की। वुडी प्लांट्स जो हैं, उनमें रिलेटिवली लेस वाटर होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट टिश्यूज या सॉफ्ट प्लांट्स। सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वो मोस्टली कंटेन करते हैं वाटर, उनमें ज्यादा पानी होता है। सीड ऑल्सो कंटेन वाटर, सीड में भी पानी होता है। अगर सीड में वाटर नहीं होगा, दैट मीन्स कि सीड अलाइव नहीं है, वो रिस्पायर नहीं कर पाएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है वाटर कंजर्व करने की। लैंड में ग्रो कर रहे हैं, लैंड में पानी कम होगा। एक्वेटिक प्लांट्स को तो पानी कंजर्व करने की इतनी जरूरत नहीं होती, बट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को होती है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वो लेते हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ तो उनका वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। कैसे लूज करते हैं वाटर? बाय ट्रांसपिरेशन। मैच्योर कॉर्न प्लांट्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं अराउंड 3 लीटर ऑफ वाटर एक दिन में। कॉर्न प्लांट 3 लीटर ऑफ वाटर एक दिन में लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर इक्वल टू देयर ओन वेट, अपने ही वेट के इक्वल वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं विद इन 5 आवर्स ओनली। देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए इसे कंसीडर किया जाता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट्स प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरमेंट। सो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मैक्सिमम जो वाटर है वो प्लांट्स में होता है, लाइक वाटरमेलन में अराउंड 92% होता है, वैसे ही ककुम्बर में भी बहुत ही अमाउंट होती है वाटर की। वाटर एब्जॉर्ब करती है प्लांट। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उन्हें कंजर्वेशन की बहुत जरूरत होती है। क्या कंजर्व करने की? वाटर कंजर्व करने की, बिकॉज वो लैंड में रहते हैं जिन्हें पानी कम मिलता है वो। बट उनका जो मोस्टली एब्जॉर्ब वाटर है वो कहाँ चला जाता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज हो जाता है, इसीलिए उन्हें कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये है रिलेशन ऑफ प्लांट एंड वाटर।